हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे फॉर्मेटेड टैग। फॉर्मेटेड टैग में मैंने आपको बताया था बोल्ड, इटैलिक, हेडिंग, ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके थे, राइट। और उसमें और जो फॉर्मेटेड टैग होता है, पी टैग, बीआर टैग, सेंटर टैग, जो भी फॉर्मेटेड टैग था, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे फॉर्मेटेड टैग, राइट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, आप वेब पेज पे लिंक कैसे क्रिएट करोगे, हाउ डू यू क्रिएट वेब पेज लिंक। आप लिंक समझते होंगे, जो वेब पेज पे लिंक बने हुए रहते हैं, ठीक है, आप किसी पेज को कनेक्ट करने के लिए या उस लिंक पे हम क्लिक करें तो जो भी फाइल लिंक किया गया है वो फाइल हमारा ओपन हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। या आप देखते हो कि गूगल पे क्लिक किए तो गूगल लिंक ओपन हो जाना चाहिए, याहू पे क्लिक किए तो याहू लिंक ओपन हो जाना चाहिए, यानी किसी भी पेज को तुम अगर रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप उस पेज को कैसे रिडायरेक्ट करोगे, ठीक है। तो लिंक, आप वेब पेज पे लिंक देखते होंगे तो लिंक का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे हाइपर लिंक जो होता है, तो हाइपर लिंक कहने का मतलब वहां पे क्या, हाइपर लिंक कहने का मतलब कि टेक्स्ट का भी लिंक हो सकता है, इमेज का भी लिंक हो सकता है, ऑडियो का भी लिंक हो सकता है, वीडियो का भी लिंक हो सकता है, वीडियो लिंक भी दे सकते हैं, ऑडियो लिंक भी दे सकते हैं, इमेज का भी लिंक दे सकते हैं, टेक्स्ट का भी लिंक दे सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि वेब पेज लिंक हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, और ये भी आप लोग जानते होंगे कि वेब पेज पे जो भी लिंक बना हुआ रहता है, ठीक है, उस लिंक का बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, या वो लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो लिंक जब वो विजिट हो जाएगा तो उसका कलर कैसा होगा, ठीक है, या उस लिंक पे क्लिक करते समय, लिंक पे क्लिक करते समय उसका कलर क्या होगा, वो चीज, ठीक है। तो आप देखते होंगे कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि वेब पेज पे जो लिंक बना हुआ रहता है उसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है, कौन बताएंगे, हैंड रेज करें, प्रिंस, बताइए प्रिंस। सर लाइट ब्लू होता है। लाइट ब्लू, ठीक है, बिल्कुल, ब्लू, ब्लू विजिट करने पे पर्पल हो जाता है, बिल्कुल, और जब विजिट करते हैं तो पर्पल कलर हो जाता है, वेरी गुड। और क्लिक करते समय वो लिंक क्या होता है, लिंक को क्लिक करते समय, क्लिक कर उस लिंक पे क्लिक किए हुए रहे, वो क्लिक किए हुए रहेंगे तो उसका कलर क्या होगा, कोई बता सकते हैं, आकाश बताइए, आकाश सर ब्लू होता है, नहीं, लिंक पे क्लिक करते समय, चलिए, और चलिए अब मैं बता रहा हूं, मैंने बताया नहीं है इसलिए हैंड सभी लोग डाउन कर लीजिए, आज मैं बताने जा रहा हूं लिंक, ठीक है, वेब पेज पे लिंक कैसे क्रिएट करोगे, ध्यान से सभी लोग देखते जाना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक एडिटर ओपन कर लेते हैं, सबलाइन, सबलाइन, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें ऑलरेडी आप देखिएगा, उसमें एंकर टैग होगा, लिंक आप देखिएगा, लिंक बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, और एंकर टैग जो होता है, ठीक है, वो हम लोग वहां पे ए टैग होता है, ए टैग का फुल फॉर्म होता है एक तरह से एंकर टैग। जैसे यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले एक नया फाइल बना लिया, और यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सेव कर लो ताकि HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर खुद से आ जाएगा। चलिए
हम चलते हैं आपके फाइल में, यहाँ पे रखा हुआ है फाइल माई लिस्ट आपका, यहाँ पे माई क्लास, और यहाँ पे आपका है ये, और बैच नेम था आपका बैच नेम वेब डेवलपमेंट ही है क्या, ना वेब डेवलपमेंट बीसीए के, अच्छा आपका ये एचटीएमएल, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एंकर टैग राइट, anchortag.html ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, क्वेश्चन मेरा ये है, कोई भी आपसे पूछेगा हाउ टू क्रिएट, ठीक है, वेब लिंक ऑन वेब पेज, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि वेब पेज पे हम लोग, ठीक है, लिंक बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग हम लोग इसके लिए यूज करेंगे राइट। दिस टैग इज यूज टू क्रिएट, दिस टैग इज यूज टू क्रिएट वेब लिंक ऑन वेब पेज, वेब पेज। आप जानते हो कि किसी भी टैग का क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है राइट, एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग का एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक एक एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट है तुम्हारा एचआरईएफ का मतलब होता है हाइपर रिफरेंस। एचआरईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर रिफरेंस, ठीक है, यानी इसमें हम लोग यूआरएल स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, टू स्पेसिफाई यूआरएल, ठीक है, यानी जो फाइल नेम यूआरएल, ठीक है, एंड फाइल नेम, जिस फाइल को तुम रिडायरेक्ट करना चाहते हो लिंक पे, तुम चाहते हो कि गूगल पे क्लिक करे तो गूगल का लिंक ओपन हो जाना चाहिए, फेसबुक एक लिंक बनाए तो फेसबुक का लिंक ओपन हो जाना चाहिए, तो फेसबुक का यूआरएल दोगे ना, ठीक है, ट्विटर का यूआरएल दोगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फाइल नेम यहाँ पे, कोई फाइल नेम, जो भी फाइल नेम आप स्पेसिफाई करेंगे वो फाइल नेम ओपन हो जाए, तो हम लोग एचआरईएफ में देंगे राइट, ठीक है। कैसे देंगे उस चीज को हम लोग को यहाँ पर देखना है, कैसे तुम इसको यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो इस चीज को, मैं पहले से ही कॉमेंट सेक्शन में रख देता हूँ, ताकि ये तो थ्योरी है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोडिंग स्टार्ट करूंगा। ये कमेंट सेक्शन है, पहले ही तुम जानते हो एचटीएमएल का एक कमेंट सेक्शन है। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, एचटीएमएल लिखकर टैब प्रेस करेंगे, एचटीएमएल का सिंटेक्स आ गया। टाइटल में हम क्या यूज करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं वेब लिंक राइट। अब देखो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक लिंक बनाया एंकर टैग ए, ठीक है, और यहाँ पर एक लिंक मैंने दिया यहाँ पे सीमेज, और एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक दूसरा एंकर टैग बनाया, ध्यान देना,
ठीक है, और यहाँ पर मैंने दिया गूगल, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया क्लोज। इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया एंकर टैग, ठीक है, फेसबुक, फेसबुक एंकर टैग को क्या कर दिया क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया एंकर टैग, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया एनआईटी पटना, राइट। अब एक फाइल को भी हम रिडायरेक्ट करेंगे, एक फाइल को भी हम क्या करेंगे रिडायरेक्ट करेंगे, और उस फाइल को रिडायरेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी आपका फाइल जो पहले से बना हुआ होगा, ठीक है, एक फॉर्मेटेड नाम का एक बना हुआ था ना, जो भी होगा फाइल नेम हम देख लेंगे, ठीक है, फॉर्मेटेड टैग, फॉर्मेटेड पेज। अब यहां पर ध्यान दो, लिंक तो बन जाएगा एंकर टैग, ठीक है, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगर मैं इसको केवल अभी रन कराऊं कंट्रोल एस, ठीक है, आप देखना जैसे पी टैग पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, ठीक है, आई एम जी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन नहीं जनरेट करता है, एच आर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता था, राइट, ठीक है, कुछ टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है उसको ब्लॉक लेवल टैग कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा, और जो टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है उसको इनलाइन लेवल टैग कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको रन कराऊं कंट्रोल एस तो लिंक तो हमारा बन जाएगा। अब इसको मैं रन कराता हूं, इसको आप रन करा लीजिए, अभी हमारा ये लिंक नहीं बना है, बस यहाँ जब तक एच आर एफ आप स्पेसिफाई नहीं करोगे हाइपर रेफरेंस, ठीक है, तब तक ये लिंक फॉर्मेट इसका एंकर टैग का नहीं आएगा। देख रहे हैं सीमेज गूगल एज ए टेक्स्ट केवल आया है, एज ए टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट नहीं है। हाइपर का मतलब क्या होता है लिंक, अभी ये लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, लिंक तभी आपका क्रिएट होगा जब उसमें कौन सा एट्रीब्यूट पास करोगे एच आर एफ। देखो तो अब हम यहाँ पे एच आर एफ इक्वल टू, चलो सीमेज का यू आर एल कौन बोलेंगे, हैंड रेज करें, अपने कॉलेज का यू आर एल क्या हम लिखें, हैंड रेज करो, हम चाहते हैं कि सीमेज नाम का एक लिंक बने, उस पर सीमेज कॉलेज का अपना कॉलेज का वेबसाइट ओपन हो। अंकित बताएगा, बताइए अंकित। है सर, www.image.in सर, www.image.in सर, यस सर, ठीक है, खुल जाना चाहिए। और किसी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, आदित्य आप बताओ, आदित्य आप बताइए सही है सर? सही तो है, बट यहाँ पे हम इनके जगह पे कॉम भी लगा सकते हैं, ओआरजी भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो जो तुम्हारा कॉलेज का होगा वही ना लगाओगे कि कुछ भी लगा दोगे, जो सर, तुम्हारा कॉमन नेम रहेगा वही ना यूज करोगे जी? यस सर। तब ये कैसे कहोगे कि ओआरजी भी लगा देंगे सर, .com भी लगा देंगे तो ओपन हो जाएगा? हम सोचे सिर्फ आप वैसे ही कैरेक्ट कर रहे हैं ऐसा लिंक नहीं, आप इमेज का यूआरएल बोलो, कंप्लीट यूआरएल मैं बोलता हूँ। अर्पित तुम बताओ, कोई भी वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल क्या होता है, यूआरएल कहां से स्टार्ट करते हैं?
सर https वेरी गुड https ठीक है यहाँ पर आपको लगाना होगा https ठीक है कोलन साइन और डबल फॉरवर्ड स्लैश हुआ गूगल का फिर उसी तरह से लिखना होगा आपको https इक्वल टू फिर मैंने यहाँ पर लिखा https कोलन साइन डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डॉट google.in या com राइट अब मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी एनआईटी पटना का देखो मोबाइल में चेक करके बताओ एनआईटी पटना का क्या है वेबसाइट का यूआरएल मैं आपसे पूछूंगा गूगल लिख दिया फेसबुक फॉर्मेटेड टैग में आपका कोई फाइल नेम यहां दे देता हूं देख लेता हूं कौन सा फाइल है आपका ओपन फाइल में हम जाते हैं सर एचटीटीपी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश सर फिर सर एनआईटी www.nitp.ac.in एक फॉर्मेट वन नाम का फाइल है जो तुम लोग को मैंने बताया था ठीक है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे format1.html ये तो केवल फाइल नेम है ठीक है तो केवल जिस फाइल को तुमको ओपन करना है उस फाइल का केवल नाम दोगे ठीक है यहाँ पर http यस चलो एनआईटी पटना का बोलिए क्या था http://www.nitp.ac.in एक मिनट www.nitp.ac.in ac.in यस सर राइट अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ ध्यान दीजिएगा सर हम लोग एक साथ मल्टीपल लिंक को रन करा सकते हैं नो कोई एट ए टाइम एक ही ओपन होगा ना जिसपे आप क्लिक कीजिएगा यस सर देखो मैंने सबसे पहले बोला कि एंकर टैग आप न्यू लाइन जनरेट नहीं कर सकते हैं तो एंकर टैग न्यू लाइन जनरेट नहीं करता तुम चाहते हो कि न्यू यूआरएल हो ठीक है यहाँ पे न्यू लाइन में यूआरएल हो तो सभी के आगे हम लोग को क्या देना होगा बीआर टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट नहीं करता है बीआर टैग चलो अब यहां पे आप देखिए मैंने इसको रन कराया आप देख रहे हो ना कि बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वेब लिंक का ध्यान देना कोई भी पूछेगा कि डिफॉल्ट कलर क्या होता है तो ब्लू होता है देख रहे हो तुम सीमेज है फेसबुक है एनआईटी पटना है फॉर्मेटेड पेज है लेकिन गूगल ऑलरेडी विजिटेड है ठीक है एक स्टूडेंट ने बताया भी था सही और देखो तो जो विजिटेड लिंक रहेगा उसका क्या होगा कलर क्या होगा पर्पल होगा देख रहे हो ना ये पर्पल कलर है और क्लिक करते समय देखना इस पे आप क्लिक किए हुए रहो क्लिक किए हुए हैं एक मिनट क्लिक करते समय जो तुम्हारा कलर जो रहेगा वो रेड रहता है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है रेड याद रखना तो अब मैं इस इमेज पे क्लिक किया देखो तुम्हारा इमेज का वेबसाइट कॉलेज का ओपन हो चुका आ चुका ठीक है अब हम अभी उसी पेज में लिंक ओपन हो रहा है हम दूसरे पेज में भी लिंक को क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं
अभी जिस पेज में लिंक बना हुआ था उसी पेज में आपका लिंक ओपन हुआ, तो फिर मैं यहां से बैक जाऊंगा। ठीक है, एक मिनट। राइट, तो देखो ये तुम्हारा सीमेज भी विजिट हो चुका है, गूगल भी विजिट हो चुका है। अब एनआईटी पटना पे क्लिक करेंगे तो एनआईटी पटना ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यूआरएल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एनआईटी पटना ओपन हो चुका। राइट, फिर मैंने बैक गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेटेड पेज, इस पे मैंने क्लिक किया। ये जो आप लोग को मैंने बताया था वो देखिए, फॉर्मेटेड ये फाइल हमारा लिंक किया हुआ है, वो फाइल हमारा यहाँ पे क्या हो चुका, ओपन हो चुका, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि जो भी लिंक विजिट हो जा रहा है उसका कलर चेंज हो जा रहा है, क्या पर्पल। फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज ये बताओ कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि जो भी लिंक बनाए उसका कलर अपने अनुसार हो, यूजर्स चेंज करे कि वेब लिंक जो भी क्रिएट होगा उसका कलर क्या होगा, ठीक है, विजिट करने के बाद उसका कलर क्या होगा। कोई बता सकते हैं कैसे करेंगे, हैंड रेज करें, जो बता सकते हैं वही हैंड रेज करेंगे। शिवम गुप्ता बताइए, शिवम शिवम कुमार तुम बताओ। यस सर, भी लिंक का यूज करेंगे सर। भी लिंक किसका एट्रीब्यूट है? वो भी लिंक एंकर टैग का सर। गलत जवाब है। और कौन बताएंगे? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। हर्ष सर, बॉडी टैग का है सर। वेरी गुड, भी लिंक और ए लिंक सर। याद कीजिए, मैंने बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। याद कीजिए, मैं बॉडी टैग का जब एट्रीब्यूट बता रहा था तो 6 एट्रीब्यूट बताया था, ठीक है। एक मैंने बताया था बीजी कलर, एक मैंने बताया था बैकग्राउंड, एक मैंने बताया था टेक्स्ट, और तीनों को मैंने इम्प्लीमेंट किया था। और फिर मैंने आगे बोला था कि इसका 3 एट्रीब्यूट और है, भी लिंक है, ए लिंक है, ठीक है, और लिंक है। इसको जब हम लोग वेब पेज पे लिंक क्रिएट करना सीखेंगे तो वहां पे उसको सीखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे उस चीज को देख सकते हैं। अब बॉडी टैग के साथ ध्यान दो, यहाँ पे देखना, बॉडी टैग के साथ मैं यहाँ पर क्या लगा दिया, भी लिंक। भी लिंक में आप जो भी कलर नेम दोगे उस कलर का आपका, ठीक है, ये बनेगा विजिटेड कलर बनेगा। जो भी लिंक विजिट हो जाएगा तुम चाहते हो कि उसका कलर क्या हो, ब्लैक हो, तो ब्लैक होगा। ये क्लियर है, देखना। राइट, तुम चाहते हो क्या, तुम चाहते हो कि लिंक उसका डिफॉल्ट क्या हो। हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन हो, ग्रीन होगा, या मैजेंटा हो, मैजेंटा होगा। तुम चाहते हो कि एक्टिव लिंक कहने का मतलब क्या, ए लिंक। तुम चाहते हो कि ए लिंक हमारा एक्टिव लिंक क्या हो, एक्टिव लिंक यानी लिंक पे क्लिक करते समय उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अब ऐसा ही होगा, रन करा के देखो। याद रखना, विजिटेड लिंक क्या होगा, ब्लैक। लिंक क्या होगा, डिफॉल्ट जो लिंक है वो मैजेंटा होगा, जो लिंक शो करता है, और ए लिंक हमारा यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन होगा। रन करा के देखो। अभी तो ये पहले वाला प्रोग्राम था,
रिफ्रेश किया, देख रहे हो ना, ये सब विजिटेड लिंक था, सीमेज गूगल एनआईटी पटना फॉर्मेटेड पेज, और ये अभी विजिट फेसबुक पे अभी क्लिक नहीं किए थे, तो इसका कलर क्या है, मैजेंटा है, राइट। क्लिक करते समय देखो, अब क्लिक कर रहे हैं हम, देखो क्लिक किए हुए हैं, कौन सा कलर शो कर रहा है, ग्रीन, यही है एक्टिव लिंक, आप समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि हम लिंक का कलर कैसे चेंज करें, तो आप उसको बता सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि हम चाहते हैं कि ये जब सीमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो इसी पेज में हमारा लिंक ओपन हो रहा है, इसी पेज में हमारा लिंक ओपन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि न्यू पेज में लिंक ओपन हो, तो जानते हो उसके लिए हम लोग एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। तो सेकेंड एट्रीब्यूट यहां पे है, टारगेट, ठीक है, टू स्पेसिफाई, ठीक है, टू स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ वेब पेज, लोकेशन या टारगेट ऑफ वेब पेज। तो टारगेट में जानते हो जो वैल्यू क्या होता है, टारगेट का जो वैल्यू होता है वो हम लोग देते हैं, ध्यान देना, टारगेट इक्वल टू हम लोग यहां पर देंगे, अंडर स्कोर ब्लैंक दोगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू पेज में ओपन होगा, अंडर स्कोर ब्लैंक, राइट। और इसी तरह से दूसरा जो होता है ब्लैंक भी दे सकते हो, ठीक है, फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। और अगर सेल्फ डिफॉल्ट होता है, सेल्फ क्या होता है, डिफॉल्ट, अगर टारगेट नहीं भी स्पेसिफाई करोगे तो सेम पेज में ओपन होगा, ठीक है, सेम पेज में ओपन होगा, राइट। और ब्लैंक तुम्हारा क्या होगा, न्यू पेज, न्यू पेज में तुम्हारा ये लिंक ओपन होगा, राइट, ठीक है। डिफॉल्ट कहने का मतलब सेम पेज, और ये बाय डिफॉल्ट काम करता है, नहीं भी दोगे तो ये वर्क ये करेगा। और थर्ड में तुम्हारा है पैरेंट, आगे मैं बताऊंगा जब फ्रेम बताऊंगा, तो तुम चाहते हो कि पैरेंट चाइल्ड फॉर्म में ओपन हो, चाइल्ड फ्रेम में ओपन हो, तो हम लोग पैरेंट यूज करेंगे, अभी फिलहाल नहीं, इसको बताएंगे। और चौथा है तुम्हारा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पैरेंट, पैरेंट पेज में ओपन होगा, पैरेंट फ्रेम। फिर यहां पर हम लोग देते हैं टारगेट में, एक देते हैं टॉप, देखते हो कहीं तुम, आप देखते होंगे कि वेब पेज को स्क्रॉल करते 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 तुम लास्ट बॉटम की ओर आ गए हो, और बॉटम के पास एक लिंक बना हुआ है, ठीक है, टॉप, टॉप नाम का एक लिंक बना हुआ है, जैसे ही टॉप पे क्लिक करोगे, अगर तुम 10 पेज तक भी स्क्रॉल किए हो, वेब पेज के होम पेज के दम लास्ट तक हो, बॉटम पे हो, और तुम चाहते हो कि डायरेक्टली एक ऐसा लिंक बना हो, डायरेक्टली हम मूव करके कहां चले जाएं, वेब पेज के टॉप पोजीशन पे चले जाएं, तो हम लोग वहां पे टॉप यूज करते हैं, ठीक है, टॉप सेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेज। और किसी तुम पार्टिकुलर फ्रेम में ओपन करना चाहते हो, आगे मैं फ्रेम जब बताऊंगा तो बताऊंगा, पार्टिकुलर हम चाहते हैं कि इस लिंक को क्लिक करें और ये पार्टिकुलर सेक्शन में ओपन हो, किसी पार्टिकुलर फ्रेम में ओपन हो,
तो जानते हो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रेम नेम। उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रेम का नाम देंगे। यही तुम्हारा ये होता है, राइट? ठीक है, तो आइए इसको स्पेसिफाई करते हैं। हाँ बोलो सुधांशु। अरे पैरेंट नेम फ्रेम समझ में नहीं आया मुझे। अभी मैंने वो नहीं समझाया, मैंने वो अभी जब तक फ्रेम मैं नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? सर ये पूछना था, जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि वेब लिंक में जो आपने कोई देख रहा है तो उसमें कलर चेंज हो जाता है, सर हम चाहते हैं कि उस पे जब 10 लोग विजिट करें तब मेरा कलर चेंज हो, अगर एक दो लोग विजिट करें तो कलर चेंज नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं सर? ऐसा कैसे हो, ऐसा होगा तो फिर प्रोग्रामिंग लॉजिक के थ्रू होगा ना जी, ऐसा जावास्क्रिप्ट में होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा ना सर, डायनेमिकली ना उसको करना होगा। ओके सर, चलिए तो अब इस चीज को स्पेसिफाई करो तुम। अब देखो मैं टारगेट लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, HREF के बाद टारगेट इक्वल टू टारगेट। तुम चाहते हो कि न्यू पेज में ओपन हो तो यहाँ पर क्या यूज कर दोगे, ब्लैंक। क्लियर? अब यहाँ पे इसमें भी तुम दे दो, ठीक है, टारगेट इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया। सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट काम करता है, तुम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। अब कहोगे कि तब सर सेल्फ किस लिए यूज किया गया, लेकिन तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू, डायनेमिकली तुम HTML का जो भी एट्रीब्यूट है तुम डायनेमिकली वहां पे उसको चेंज कर सकते हो। डायनेमिकली कहने का मतलब कि मैंने इमेज टैग आपको बताया था, तो आप तो प्रोग्रामिंग में जाकर इमेज टैग में SRC देते हो, लेकिन हम रन टाइम सोर्स चेंज करना चाहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया रन टाइम हम वहां पे कुछ सोर्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको किसके थ्रू करेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलो टारगेट, अब यहाँ पे अभी ये दो चीज, अब मैं इसको भी बताऊंगा टॉप, और ये फ्रेम नेम जो है जब तक आप फ्रेम नहीं पढ़ोगे तब तक फ्रेम नेम लास्ट वाला और पेरेंट वाला नहीं सीखोगे, लेकिन टॉप मैं बता देता हूँ टॉप कैसे तुम विजिट करोगे, ठीक है। अब देखो तो एक इसमें मैं दे देता हूँ लास्ट में कंट्रोल भी, चलो राइट, टारगेट आप समझ गए। और एक चीज मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ इससे मैं कोडिंग कर कॉपी कर लिया, देखो जो मैंने आपको बताया था, मान लो सपोज की ये चीज लिखा हुआ है पी टैग, इसको मैं कॉपी कर लिया। अब वेब पेज तुम्हारा पूरा कंप्लीट ट्रस्ट से फुल रहेगा तब ना, जो टॉप सेक्शन के लिए मैंने जो मैं टॉप सेक्शन सेक्शन के लिए जो मैं बता रहा था, तो ध्यान दो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेब पेज को फुल करने के लिए कुछ टेक्स्ट तो लिखना होगा, कंट्रोल भी, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी, राइट। अब यहाँ पे जानते हो एक लिंक हम बनाएंगे, कहाँ पे, नीचे में P टैग में मैंने यहां पर एक लिंक बनाया सपोज, ठीक है, कहीं पे भी मान लो कि कहीं पे वो तुम्हारा एक लिंक बना हुआ रहेगा, मैं लास्ट में ही बना देता हूं, ठीक है। एंकर टैग दिया, एंकर टैग और टारगेट, ध्यान देना, टारगेट इक्वल टू मैं यहां पर क्या लिखूं, अंडरस्कोर टॉप सेक्शन, यही था ना, अंडरस्कोर टॉप, और यहां पे लिख दिया है टॉप। एंकर टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, कुछ न्यू लाइन दे देते हैं, ऊपर आ जाएगा, ध्यान देना इस चीज को। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा हूं, देखो अब यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल हम लोग कर रहे हैं, एक मिनट,
स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, लिंक, अच्छा टॉप लिंक नहीं बना है यहाँ पे, एक मिनट, कहीं कुछ छूटा हुआ है क्या? एंकर टैग HREF मैंने नहीं दिया है, HREF में, ठीक है, कोई पार्टिकुलर पेज को तो ओपन नहीं करना है, तो HREF में ऐसे ही हम लोग क्या दे दिए, हैश दे दिया, ऐसे ही दे दिया HREF हैश। हैश कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर पेज को तुम लिंक नहीं कर रहे हो, एक तरह से ब्लैंक। और टारगेट में क्या है तुम्हारा यहाँ पे, अंडरस्कोर टॉप, डायरेक्ट आप टॉप सेक्शन पे जाओगे, देखना। अब तुम इसको रन करो, रिफ्रेश किया, ठीक है, अब तो स्क्रॉलिंग के थ्रू हम लोग टॉप सेक्शन पे जा रहे हैं, बॉटम सेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो नीचे में टॉप बना हुआ है, अब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, और देखना टॉप सेक्शन पे चले जाओगे, चले गए टॉप सेक्शन पे, ठीक है। फिर एक बार देखो, मैंने स्क्रॉल करके बॉटम पे आया, अब यहाँ पर एक टॉप लिंक बना हुआ है, टॉप सेक्शन पे हम जाना चाहते हैं, देखो चले गए टॉप सेक्शन पे, आ गया ये टॉप सेक्शन, ठीक है। और तुम किस जैसे देखो यहाँ पे, ये तो तुम देख रहे हो, एक पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, देख रहे हो ना, उसी पैराग्राफ को मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, राइट, देख रहे हो यहाँ पे, ये काउंट करो, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, तुम देख रहे हो, ये फर्स्ट पैराग्राफ ये है, फिर ये सेकेंड पैराग्राफ है, ठीक है, फिर ये तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ है, ये फोर्थ है तुम्हारा, देखना, और ये तुम्हारा नीचे में फिफ्थ है। हम चाहते हैं कि इस फिफ्थ सिक्स सेवन इस पे आने के लिए, इस पे पार्टिकुलर, इस पार्टिकुलर सेक्शन पे हम मूव करना चाहते हैं, एक ऐसा लिंक क्रिएट करना चाहते हैं जो डायरेक्ट हम इसी सेक्शन पे हम मूव करें। तो उसके लिए देखो क्या हम लोग यूज करते हैं, इसमें जिस पे तुमको जाना होगा एक आईडी स्पेसिफाई करना होगा तुमको, सेक्शन को पहले काउंट कर लो किस सेक्शन पे जाना है। ये तो देख रहे हो, ये फर्स्ट पी टैग है, फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ हुआ, ये तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है, फिर उसी तरह से नीचे आओ, ये तुम्हारा फोर्थ पैराग्राफ है, ये आपका फिफ्थ पैराग्राफ है, और ये तुम्हारा सिक्स है। मान लो कि सिक्स पे ही हम जाना चाहते हैं, तो सिक्स पे जाना चाहते हो, पार्टिकुलर सेक्शन पे जाना चाहते हो, तो यहाँ आईडी डिफाइन कर दो, आईडी इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज, ठीक है, पी सिक्स था ना, पी सिक्स दे दिया मैंने, आईडी क्या दे दिया, पी सिक्स, पैराग्राफ का एक एट्रीब्यूट होता है आईडी, जो आगे हम लोग CSS में भी यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है ID क्लास, जो CSS में हम लोग देखेंगे, तो PID इक्वल टू मैंने P6 दे दिया। अब चलो, अब एक लिंक बनाओ, हम चाहते हैं कि एक लिंक हो, एंकर टैग मैंने बनाया, और यहां पर HREF में पार्टिकुलर सेक्शन पे तुमको जाना है, तो आईडी है, तो आईडी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं, याद रखना, जो CSS में पढ़ोगे हैश, ये आईडी को स्पेसिफाई करता है। और आईडी नेम क्या दिए हैं, पी टैग में आईडी नेम मैंने वहां पे दिया है, ठीक है, P6, मैंने P6 दे दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया गो, ठीक है, और एंकर टैग को मैंने यहां पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस। अब तुम रन करा के देखो,
रिफ्रेश, ठीक है। अब गो पे हम जा रहे हैं, तो देखना सिक्स पैराग्राफ पे हम जा रहे हैं। अभी कितना पैराग्राफ तुमको शो कर रहा है? एक दो तीन चार पांच, पांचवा पैराग्राफ थोड़ा सा विजिबल है। तो देखिए गो पे मैं जा रहा हूं, आगे ये छठा पैराग्राफ है तुम्हारा। फिर एक बार मैं दिखाता हूं, ठीक है, एक बार देख लो। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। इसके बाद गो पे मैंने क्लिक किया, आगे सिक्स, ये तुम्हारा सिक्स है, ये सिक्स है तुम्हारा, तुम काउंट कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट सिक्स है, इसके ऊपर पांच होगा, देख लेना पांच होगा। इस जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर पांच, देखो एक दो तीन चार पांच, राइट। और मैंने बोला था कि टारगेट में क्या दिया है, ब्लैंक। तो अब इस इमेज पे मैं क्लिक करूंगा तो देखना नया पेज ओपन होगा। देखो न्यू पेज आ गया, न्यू टैब में, न्यू टैब में आ गया, ठीक है। चलिए यहां तक किन्हीं को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करेंगे। हाँ बोलो शिवम कुमार। यस सर, मान लीजिए कि सर हम किसी एक इमेज का लिंक बनाए सर, और मतलब कि हम उस लिंक को किसी को शेयर करेंगे, क्या वो हमारे इमेज को कोई देख सकता है कि नहीं सर? तो तुम्हारा वो इमेज ये रहेगा तब ना, क्लाउड पे रहेगा तभी ना कोई देख सकता है। वो क्या सर, मान लीजिए क्लाउड पे अगर तुम्हारे लोकल सिस्टम में तो देख ही सकता है। अगर सर मान लीजिए क्लाउड पे अगर डाल दिए तो यूजर, बिल्कुल बिल्कुल। बोलो अनिकेत सर, पर बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, बोलो। सर बोल रहे थे कि सर आवाज गजब आ रहा है, तुम्हारा साउंड वाइब्रेट कर रहा है। अंशु कुमार। यस सर, सर इससे पहले यूआरएल सर जो जनरेट हुआ था पर लिंक सर, जैसे इमेज लिखे थे तो वहां सर एचटीटीपीएस था, लास्ट में एस था सिक्योरिटी के लिए सर, तो विदाउट एचटीटीपीएस पे भी ओपन दोनों लिखो, दोनों वर्क करता है। एचटीटीपीएस का मतलब सिक्योर होता है, एचटीटीपी भी लिखोगे तो काम करेगा, एचटीटीपीएस भी लिखोगे तो काम करेगा। ओके इसमें सर पैराग्राफ में आईडी एट्रीब्यूट बताए सर, इसको नहीं समझे इसको आप नहीं है सर। तो देखिए आगे मैंने बोला कि एक आईडी एट्रीब्यूट होता है पैराग्राफ का, और बहुत सारे टैग का एट्रीब्यूट होता है आईडी, ठीक है, जिसपे तुमको विजिट करना है, जिसपे तुमको विजिट करना है। मुझे देखो सोर्स कोड में देखो, मुझे छठा पैराग्राफ में विजिट करना था, तो मैंने यहाँ पे ये 46 लाइन में देखो, इस पे मुझे विजिट करना है, पार्टिकुलर पैराग्राफ पे विजिट करना है, तो एक आईडी मैंने दे दिया। आईडी इक्वल टू क्या दिया, P6 नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने P6 दे दिया क्योंकि पैराग्राफ 6 है, तुम कुछ भी नाम XYZ दे सकते हो। अब इस आईडी पे मुझे विजिट करना है, और हम जहां लिंक बनाएंगे, जहां पे लिंक तुम बनाओगे, देखो यहां पर मैंने लिंक बनाया है, ठीक है। कहने का मतलब कि HREF में जिस तरह से आप URL देते थे, URL दिए थे सीमेज कॉलेज का, गूगल का दिए थे, फेसबुक का दिए थे, किसी पेज का आपने फाइल नेम दिया था, तो जो दिया था वो URL ओपन हुआ, गूगल ओपन हुआ, और फॉर्मेटेड पेज, किसी पार्टिकुलर पेज को ओपन करना चाहते हैं तो format1.html ये भी एग्जीक्यूट किया, लिंक हुआ। अब यहाँ पर HREF में मैंने क्या दे दिया, आईडी दे दिया। आईडी हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हैश से स्टार्ट होता है, और नाम क्या था वहां पे, P6। तो अब कहने का मतलब कि HREF के थ्रू तुम आईडी नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये गो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो कहाँ पे मूव करोगे, P6 पे मूव करेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir, but यहां, sir, has जो यूज किए हैं सर आईडी, तो वही तो आईडी मस्ट बी स्टार्टेड विद हैश सिंबल। ओके सर, आईडी हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हैश से। जब तुम CSS में क्लास पढ़ोगे, आईडी पढ़ोगे, तो क्लास नेम किससे स्टार्ट होगा, डॉट से। अरे बात समझ में?
यस सर थैंक यू सर छोटू कुमार यस सर सर इसमें जैसे वेबसाइट का लिंक दिए हैं तो simage.in दिए हैं और google.com दिए हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट है सर कि दोनों सेम है कुछ जैसे सबका डीए अथी अलग अलग होता है डॉट कॉम अलग होता है ओआरजी अलग होता है जो तुम्हारा डोमेन नेम जैसा रहेगा जो डोमेन नेम तुम परचेज करोगे वही ना दोगे सर डॉट ओआरजी भी आता है ना इसमें डॉट ओआरजी भी आता है तो ऐसा थोड़ी है कि डॉट गूगल गूगल डॉट ओआरजी तुम दोगे तो काम करेगा जैसे कोई लिंक मतलब क्लाउड पे है हाँ तो है तो कोई जो लिंक जिसका जो अब तुम एक वेबसाइट बनाए हो तुम्हारा कोई कंपनी है तो तुम .com डोमेन लिए हो या .org लिए हो तो जो तुम्हारा .org है वही ना दोगे नहीं सर जैसे कोई वेबसाइट बना हुआ है हम वैसे ही वेबसाइट लिंक बनाएंगे तो उसी वेबसाइट पे जाएगा ना बिल्कुल जाएगा जिस URL को जिस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो उस वेबसाइट को तुम ओपन कर लो और उसके URL को देख लो क्या उसका URL है खुद से तो आप URL नहीं दे सकते हैं मुझे NIT पटना का मालूम था नहीं मालूम था तो मैंने आपसे पूछा ना आप लोग से कि NIT पटना का URL बताओ तो आपने Google में सर्च किया ना यस सर यस बस वही है मतलब अपना वेबसाइट बनाने के लिए लिंक मतलब डिफरेंस मतलब था अलग वो डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा जो डोमेन जैसा रिक्वायरमेंट वैसा डोमेन नेम तुम ले सकते हो सर जैसे बोल रहे थे कि आपने जैसे लिंक दिखाया गो पे क्लिक किए तो आप सिक्स पैराग्राफ पे चले गए हम ये चाहते हैं कि सर जैसे हम गो पे क्लिक किए और सिक्स पैराग्राफ पे चले गए तो इंडिकेट करे कि हमने ये किया है इस पैराग्राफ को वैसे नहीं हो तो कर ही दिया मूव तो कर ही दिया ना वहाँ पर सिक्स पे तो आप आई गए मूव तो कर दिया लेकिन जैसे कि वहां पे बहुत सारा अगर वैसा रहेगा तो वो तो शो तो नहीं करेगा कि आपने हमने इस पे क्लिक किया नहीं वो तो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना होगा कि यहाँ पर वो मूव किया तो पता चलना चाहिए कि वो सेलेक्ट हो जाए या कुछ हो जाए ओके सर यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा बस केवल वो विजिबल कर देगा वहां पे आपको पहुंचा देगा ओके सर संजीत सर पूछ रहे थे कि जैसे हम कोई लिंक बनाते हैं सर जैसे कोई भी हम लिंक बनाते हैं सर कोई भी डेटा वाला सर जैसे कोई भी यूजर है उसमें डेटा भरता है उसको सबमिट करता है जो डेटा वो सबमिट करता है सर वो यदि जो उस वो बनाया है वो कैसे देख पाएगा डेटा को सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए नहीं समझे जैसे कोई लिंक बनाया सर किसी भी डेटा का तो कोई भी यूजर चाहे कि हम उस डेटा को भर कर जब सबमिट करते हैं तब उस डेटा को हम कैसे देख पाएंगे सर वो डेटा को आप देख पाएगा वो जब वो फ्रंट एंड उस तरह का बनाया हुआ होगा जैसे मान लो कि वेबसाइट में कहीं किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपका क्या लेता है साइन अप यूजर रजिस्ट्रेशन होता है ना तो यूजर रजिस्ट्रेशन होता है तो आप वहां ऑनलाइन साइन अप फॉर्म खुलेगा आपका डिटेल्स कहाँ चला जाएगा सर्वर के पास चला जाएगा उसके डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा और तुम कुछ यूजर प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो तो वो फैसिलिटी आपके सॉफ्टवेयर में वेबसाइट में देता है ना कि अगर किसी तरह से आपका मोबाइल नंबर चेंज करना हो या कुछ और गलत हुआ तो आप देखते हैं ना यूजर प्रोफाइल चेंज करने का फैसिलिटी रहता है या फॉरगेट पासवर्ड का फैसिलिटी रहता है ना वो कहाँ से होगा वो डेटाबेस से होगा और ये चीज हम लोग कहाँ पर देखेंगे PHP में देखेंगे जब आप PHP पढ़िएगा तब ना वहाँ पे साइन अप पेज हम बनाएंगे आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा और तुम किसी डेटा का यूजर का अपना रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो अपना यूजर ID पासवर्ड देंगे और सारा रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा विजिबल हो जाएगा डेटाबेस से एक और क्वेश्चन था सर सर लाइन नंबर जो 16 है सर वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर क्या होता है उसके बारे में बताएं कौन लाइन नंबर 16 मेटा टैग है आगे मैं बताऊंगा मेटा टैग का बहुत सारा रोल होता है ये अभी वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है UTF-8 UTF-16 UTF-32 अगर इसको हम नहीं भी देंगे तो अभी इसका कुछ नहीं ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया है जैसे ही HTML लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं जैसे ही HTML लिखकर इंटर मारते हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है मेटा टैग का बहुत सारा रोल होता है आप चाहते हैं कि वेब पेज हमारा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करे एक टाइम सेट कर दे ठीक है
तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपका वेब पेज दो दो सेकेंड या पांच पांच सेकेंड या एक एक मिनट के बाद क्या होते रहेगा, रिफ्रेश होते रहेगा। वो मेटा टैग के थ्रू भी करते हैं हम लोग। आगे हम लोग मेटा टैग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको हटा दीजिए, अभी इसका कोई रोल नहीं है, मैंने हटा भी दिया। चलिए अब टाइम ओवर हो गया। अब इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप पीडीएफ जो मैंने शेयर किया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैंने ऊपर में लिख दिया है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी दो चीज मैंने बताया है, एचआरईएफ टारगेट और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए एट्रीब्यूट्स को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अब यहां से स्क्रीनशॉट लिया जाए। बस बाकी तो कट कॉपी पेस्ट किए हैं, अब वही, अब सारे का स्क्रीनशॉट लेना जरूरी नहीं है। जहां आईपी में आईडी दिया था यहां से लो, आईडी कहां दिया था 6 में, ये चीज ये देख रहे हैं, यहां से ले लो। एक किसी पार्टिकुलर टैग, किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ पे जाना होगा तो ये चीज हो गया। और लास्ट में एक चीज देख लो, लास्ट टॉप वाला, लास्ट में, हाँ टॉप वाला, ये लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखे हैं एंकर टैग एचआरईएफ, और ये सब आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते जाइएगा। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।